हेलो माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम फाइन वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। होप सो आप सभी सेफ होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ सबके। चार लाइनें जो है तो जो करंट सिचुएशन है और भी जो कुछ इधर उधर की चीज़ें हैं उनको समाहित करके चार लाइनें रखने की कोशिश करी है काव्य रूप में। सुनने का आग्रह करूँगा और आगे बढ़ाने का आग्रह करूँगा कि यूपीएससी का 10 नंबर का प्रश्न आपने उठाया है। यूपीएससी का 10 नंबर का प्रश्न आपने उठाया है और जिहाद कितने प्रकार का होता है नौजवानों को बताया है। वो तुम्हारे देवी देवताओं की अश्लील तस्वीर बनाकर मकबूल फिदा हुसैन हो गए और तुम उनकी असलियत बताकर मशहूर हो गए। आपने सुधीर चौधरी जी की लाइन है कि आपने जिहाद के प्रकार क्या बताए महाराज। सदियों से सत्ता के गलियारों में झुंझुना बजाने वाले भी क्रांतिकारी पत्रकार हो गए। मंदिरों की अगली लाइन सुनिएगा गौर से। मंदिरों की दीवारों का रंग बदलकर मीनार बताने वाले भी शिल्पकार हो गए। कईयों के असली चेहरे आएंगे अभी सामने। असली नाम का ये मचा हल्ला यूं ही न थमेगा साकी। कहते हैं कि गरीब मर रहा है। 70 सालों से गरीबों को बैंक से दूर रखने वाले भी खुद को अर्थशास्त्री और गरीबों का बाप बता रहे हैं। देशभक्ति का दम्भ भरने वाले डीए कटने पर लुंगी उतार के नाच रहे हैं। अगली जो लाइनें हैं वो ज्वलंत समस्या जो देश की है, रोजगार। यहाँ के किसी नौजवान से पूछो तो नौकरी करने के लिए बड़ा जो है तो दादा नौकरी नहीं है। उनके लिए चार लाइनें हैं कि चिट्ठी पत्री से जिनके बाप दादा की नौकरी लगी वो भी व्यापम घोटाले का रस पीकर मदमस्त नजर आ रहे हैं। और दुख इस बात का है त्रिपाठी जी कि बिना दौड़े टीआई बन जाने वाले बाबू साहब दौड़ के भी कुछ न उखाड़ पा रहे हैं। ललन साहब के बघेली एंठे हम बोलब थोका, हम रीवा से आए हैं, कहीं से बघेली जो उन्हें था हमका बहुत प्रिय है। तो चार लाइन बघेली माँ के ललन साहब के धूप भरने लागे। घर के डेहरी नाके के दम नहीं आए और 10,000 पॉकेट मनी कम नहीं आए और ललन के लगे पल्सर पचमिन से आए और यहीं से ललन के लगे नौकरी नहीं आए। कहते हैं हर चीज का युग होता है, दुशासन का भी अंत होता है, कर्ण का भी पहिया फंसता है, अर्जुन का बाण उसकी छाती में धंसता है और भीष्म को भी उनके तटस्थ होने की सजा मिलती है और द्रोण भी कुरुक्षेत्र में लहूलुहान होते हैं। और त्रिपाठी जी कहते हैं कुरुक्षेत्र में रहते हैं हम भी लाखों रुपया टैक्स भरते हैं, देश में अपनी हिस्सेदारी रखते हैं और लोगों को सकारात्मक सोचने के लिए कहते हैं, इसीलिए शायद लोगों की आंखों में खटकते हैं। चलिए थैंक यू, आशा आप लोग अच्छा लगा हो तो आगे बढ़ें, लोगों तक मेरी बात पहुंचाएं। धन्यवाद। और लिब्रांडुओं की पिलाई इसी तरीके से आप जारी रखें।